जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनाई साइन, यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए। फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं, फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल, यू आर फीलिंग कंटेंट, यू आर फीलिंग हैप्पी विद द टेन ऑफ कप्स। में भी हो सकता है, अगर फैमिली वाइज अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर फीलिंग कंटेंट, यू आर फीलिंग लाइक गुड इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ अगर हम देखें। एंड ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का स्टिल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी फैमिली लाइफ हो या जो भी मतलब चल रहा है उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आपने बहुत हार्डवर्क किया है अपनी लाइक इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग, लाइक हो सकता है कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हों, कुछ हों, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किया है या था और आप कभी कभी मायूस हो जाते हैं एंड स्टिल कभी कभी किसी चीज़ का लाइक वेट है आपको। या मे भी हो सकता है किसी की तरफ आप खिंचाव है आपका या कुछ ना कुछ। फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल मुझे लग रहा है कुछ के लिए हो सकता है यू आर वर्किंग टूवर्ड समथिंग, कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कोई पर्सन हो सकते हैं। आप कभी कभी क्रॉस रोड्स पे फील लाइक क्रॉस रोड्स पे आपको लगता है कि आप खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा इधर जाओ कि उधर जाओ, यू फील दैट वे। ऑल दो आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मे भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप पास्ट फ्यू टाइम से या फ्यू वीक से मेरी रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा कि जेमिनाई पीपल का जो भी लाइक रीडिंग का पैटर्न चल रहा है, मे बी थिंग्स एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू, या कोई रिलेशनशिप्स ऐसे हो गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं। यू आर होल्डिंग सीक्रेट्स, ऑल दो यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस, राइट? आप यू आर लाइक हाई प्रीस्टेस, आप जैसे कहते हैं ना एक यू आर गुड लुकिंग, यू आर चार्मिंग, यू आर अट्रैक्टिव, राइट? बट ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेयर्स हैं जो आप अपने अंदर छुपा के रखते हैं और लोगों को नहीं पता चलता कि आप क्या सोच रहे हैं, राइट? सो ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड फॉर अदर पीपल हो सकता है इट्स अबाउट पर्सन, हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो आपकी लाइफ में जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, और मे भी हो सकता है वो आपसे लाइक अपने इमोशंस को छुपा रहे हो या देर आर वेरी लाइक लॉट ऑफ सीक्रेट्स जो वो होल्ड कर रहे हैं आपसे। तो कुछ तो है यहाँ पे, कोई यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो गया था, कोई यहाँ से छोड़ के चला गया था, बट स्टिल यू आर वेटिंग, स्टिल यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। यस, मे भी हो सकता है, अगेन मैं यही कहूँगी विद द पेज ऑफ कप्स, कोई हो सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से कोई न्यूज़ मिले या कुछ आपको सुनने को मिले इस पर्सन की तरफ से, कुछ बात पता चले। या हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि आपकी इस पर्सन से कन्वर्सेशन हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टिल क्रॉस रोड्स पे ही आपका रिलेशन दिखाई दे रहा है, और स्टिल वेदर जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, मे बी यस यस फैमिली है, किड्स हैं, एंड देयर इज ऑल्सो सम बडी एल्स इन द पिक्चर, वी हैव फैमिली हियर, वी हैव फैमिली हियर, राइट? सो मे बी हो सकता है लाइक कुछ ना कुछ हो सकता है, कई लोग प्रेयर कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर वर्किंग टूवर्ड समथिंग, अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस रखने के लिए बहुत हेल्प लाइक कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर इज समथिंग अगेन कुछ है यहाँ पे, समबड़ी स्नीकी, समबड़ी कोई हो सकता है मैन्यूपुलेटिव, यस हो सकता है किसी चीज़ पे स्पाई कर रहे हो, राइट? या कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए आप, मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और कोई यहाँ पे रिजिस्ट कर रहा है, मे बी ये पर्सन है, मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है लाइक आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि ये इनका जो लाइक आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये जो कनेक्शन है आप लोगों का ये कोई स्टेबल कनेक्शन है। हो सकता है देयर इज़ लाइक मुझे ये पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। यस,
मे बी दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन देयर लाइफ और आप बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कमिट करना चाहते हैं, बट चीज़ें मुझे नहीं लगता कि चीज़ें उतनी स्मूथ चल रही है। हो सकता है आप किसी चीज़ की वजह से क्रॉस रोड्स पे हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लाइक हो सकता है किसी के लिए आप कुछ के लिए हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ के लिए मतलब मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों की फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। कुछ के लिए ये कोई और लाइक फादर फिगर हो सकते हैं, राइट? सो यस, इट्स ऑल अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। में अगर बात करें, अगर करियर की बात करें तो येस, अगर आप कुछ बदलाव चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो येस, यू विल मूव अहेड, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट? आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और येस, यू आर डिटरमाइंड। और मे भी हो सकता है कुछ के लिए, हो सकता है आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हो। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, सम पीपल थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, आप मैरिड हैं और कोई और भी हो सकता है, आप लोगों के इस पिक्चर में इन्वॉल्व हो सकता है। सो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो शायद जो सीक्रेट्स हैं जो किसी को ना पता हो। अगेन मैं यही कहूँगी, हो सकता है कि आप किसी के साथ मिल के कुछ काम कर रहे हो। वी हैव किंग एंड वी हैव द क्वीन। कोई हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल एंड मे बी स्टबल, राइट? सो बट अगर ओवरऑल मैं वर्क एनर्जी की बात करूँ तो येस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपको थोड़ी सी फाइनेंसिस की मुझे ऐसा लगता है आप चिंता है आपको, बट मुझे लगता है आप किसी चीज़ की नॉलेज भी बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ किसी के साथ मिलके कुछ काम करने के लिए सोच रहे हैं और मे भी हो सकता है आगे बढ़ रहे हैं। मनी को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, आप कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, या मे भी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ जेमिनाई मनी को लेके कुछ इस हफ्ते थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको लाइक कुछ जैसा कि हो सकता है कि कुछ आपको कुछ और बोल रहा हो, आप कुछ और समझ रहे हो, या मे भी हो सकता है आपसे कोई हाइड कर रहा हो कुछ और आपको ना पता हो। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप येस, अगेन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, कोई स्नीकी, कोई मैन्युपुलेट, फाइव ऑफ सोर्ड्स। सो इस चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। अगर लव लाइफ की बात करें तो येस, मे बी हो सकता है आप, यू आर स्टिल को डिपेंडेंट ऑन समबडी, आप किसी के ऊपर स्टिल को डिपेंडेंट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड देयर इज कंफ्लिक्ट। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल? ट्रांसफॉर्मेशन, माइजर, पोस्टपोन। देखिए, आप मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए यू आर लाइक, ये देख सकते हैं एक लेडी विंडो के पास बैठी हुई है एंड शी इज़ वेरी, उसका फेस देखिए बहुत ज़्यादा उदास है। ऑल दो देखिए बाहर कितनी ग्रीनरी है, कितना कुछ है, लेकिन शी इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा उदास है ये पर्सन। सो शायद हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, यू आर वेरी क्लोज टॉप, बहुत ज़्यादा क्लोज टॉप हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन में भी हो सकता है ये पीरियड ऐसा है, आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, लेकिन हो सकता है आप शायद इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। देन वी हैव द मास्टर कार्ड, राइट? सो येस, कुछ है, आपको कोई गाइडेंस ज़रूर मिल रही है एंड मे भी हो सकता है आप थोड़ा सा, अगेन मैं यही कहूँगी, मनी को लेके बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, आगे चल के सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि एक चीज़ मैं और ज़रूर कहूँगी, अगर मनी वाइज कोई है, कोई चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई उधार लेना चाह रहा हो या कुछ ऐसे करना चाह रहा हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो चीज़ डिले होती जाए और हो सकता है आपको उस पर्सन का फिर वेट करना पड़े। तो दिस वॉज अ साइड मैसेज आई वॉज गेटिंग, राइट, फॉर फ्यू ऑफ यू। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।